साइकिल पर निकले हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम वृद्धि में उनसे बात करेंगे। सर साइकिल पर जाके विरोध करना ही पड़ा, चौहान शरम करो, क्या कहेंगे? अगर वो ईमानदार हैं तो हमारे साथ चलना चाहिए उन्हें। क्या लगता नहीं है कोरोना के संकट में इस तरह का फैसला ले रही है? सरकार को वापस लेना चाहिए, सरकार को छूट देनी चाहिए जी, सरकार को छूट देनी चाहिए ना कि बात। बिल्कुल छूट भी देना चाहिए और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। तो आंदोलन में लगता है कि आपको ये आंदोलन से कोई सफल होगा या जनता जो कोरोना से संकट में जूझ रही है उसको फायदा होगा? क्या लगता है कि कोरोना के समय में इस तरह का बोझ डाल दिया है? निश्चित तौर पर, साफ तौर पर दिग्विजय सिंह को यहाँ पर देखा जा सकता है साइकिल से जाते हुए, और जिस तरह से देश भर में कांग्रेस इसका विरोध कर रही, खास तौर पर मध्य प्रदेश में साइकिल पर दिग्विजय सिंह को निकलते हुए तस्वीरें, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचकर ज्ञापन देंगे यहां से दिग्विजय सिंह और अपना विरोध जता रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ जो थे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने इस बात का जिक्र किया, तो तमाम जो ब्लॉक स्तर पर भी अपील की थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध में शामिल होंगे और एक बड़ा आंदोलन इसको बनाएंगे, खासतौर पर तब जबकि मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में उपचुनाव है और ऐसे में कांग्रेस इसे बड़ा दाव मान रही है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों के बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में भोपाल में यहाँ दिग्विजय सिंह को साइकिल पर जाते हुए देखिए किस तरह से ये विरोध करने का तरीका यहाँ पर है। दिग्विजय सिंह हैं, इन्होंने अपील की थी तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और आम जनता से भी कि वो साइकिल पर पहुंचे और इस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन देने के लिए निकले हैं दिग्विजय सिंह। साइकिल पर ये विरोध है पेट्रोल और डीजल के लगातार जो बढ़ते दामों के बीच में, ये इस तरह से विरोध करते हुए दिग्विजय सिंह को देखा जा सकता है। साफ तौर पर ये जिस तरह से मध्य प्रदेश में और बाकी पूरे देश भर में इस तरह से जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और खास तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ये विरोध हर ब्लॉक स्तर पर भी किया है, लेकिन भोपाल की तस्वीरें, खास तौर पर दिग्विजय सिंह के साइकिल पर जाती हुई तस्वीरें बेहद अलग हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आने वाले जो उपचुनाव हैं उनमें क्या कांग्रेस इस तरह का विरोध प्रदर्शन करके एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।